जनपद संभल के गुन्नौर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजीत कुमार और फराजू यादव का एक बार फिर से दर्द झलका है। अजीत कुमार और फराजू यादव ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अजीत कुमार और फराजू यादव ने शिकायतों का पिटारा डीएम को सौंपा है। पत्र मुख्यमंत्री के नाम भी भेजा गया है। इस शिकायत पत्र में कई अन्य भाजपा नेताओं ने भी अपने हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के गुन्नौर से विधायक अजीत कुमार और फराजू यादव ने संभल जिले में हो रहे विकास कार्यों को लेकर वन्य भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कुल 8 आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र के भ्रमण के दौरान पता लगा है कि विभागों के कर्मचारियों द्वारा किसानों व गरीबों का उत्पीड़न किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजीत कुमार पहला आरोप लगाते हैं कि जनपद संभल में माफियाओं द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, परंतु किसानों के लिए एक ट्रॉली मिट्टी लाने पर भी अधिकारी ऐसा उनके साथ आतंकियों जैसा व्यवहार करते हैं। परमिशन के लिए आवेदन करने पर जब तक अपर जिलाधिकारी के पास सुविधा शुल्क नहीं पहुंचता है तो जांच के नाम पर उनको परेशान करते हैं। भट्टे वालों से सुविधा शुल्क लेकर पर्यावरण के सभी नियमों का अनदेखा कर धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं, ऐसे कई आरोप लगाते हुए कहा। हमारे क्षेत्र की और जिले की जो जन समस्याएं हैं जिससे किसान बहुत पीड़ित है, उसके संबंध में हमने उनको अवगत कराया है कि हमारे ज़िले में और क्षेत्र में जो गायें हैं वो बहुत बड़ी संख्या में सड़कों पर घूम रही हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ गायें भी एक्सीडेंट हो करके उनकी मृत्यु हो जाती है। अभी कुछ दिन पूर्व 17-18 गायें रेलवे लाइन से भी कट गई थी, तो इन गाय की जो है हमारे गंगा की कटरी में बहुत ज़मीन है, वहाँ पर उनकी व्यवस्था की जाए इसके संबंध में हमने बोला है। और दूसरी समस्या है कि जो किसान है वो अपने ही खेत से जब अपने घर के लिए या अपने घर के लिए जब मिट्टी लाता है तो उसके लिए पकड़ लिया जाता है और उसको बंद कर दिया जाता है और उससे जो है अवैध वसूली की जाती है। इससे हमारा जो किसान है वो जन पूरा सभी लोग पीड़ित हैं। और तीसरी जो समस्या है वो ये है कि जो बिजली है वो बिजली के क्षेत्र में भी जो बिल है वो कुछ गड़बड़ कर दिए जाते हैं और उनको बढ़ा दिया जाता है, कभी घटा दिया जाता है ये भी। और चौथी जो समस्या है वो ये है चकबंदी, जिन गांव में हमारे क्षेत्र में जिन गांव में चकबंदी चल रही है उसके ज़िले से लेकर के जो लेखपाल तक है वो किसानों से अवैध रूप से उनका शोषण कर रहे हैं। इस प्रकार की जितने भी समस्याएं हैं, फर्जी मेडिकल भी बनवा लेते हैं कुछ लोग, चोट लग जाती है तो उससे अवगत कराने के लिए हमने उनको एक ज्ञापन दिया है कि इस समस्या का जल्दी ही समाधान किया जाए। इससे पूर्व भी हमने उनको कई बार इस समस्या को बारे में बता चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इसका कोई समाधान नहीं किया है। कुछ लोग परमिशन बनवाने के लिए जाते हैं, जो जिले के अधिकारी हैं वो भी उनसे जो है किस चीज़ की परमिशन, जो ज़मीन बेचने की जो परमिशन है उसको बनवाने के लिए जाते हैं, SC की जो परमिशन लेते हैं तो उसमें भी अवैध रूप से उनसे पैसा लिया जाता है। इससे पीड़ित होकर के लोग हमको शिकायत करते हैं और जो शिकायत हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में आई है तब हमने इस चीज़ को